खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं इंटरेक्स न्यूज़ 24/7। हर अहम खबरों के लिए व हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए इंटरेक्स न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। जैसे कि आप सब वाकिफ होंगे नाजरीन, MLA पटनचेरू ने एक जर्नलिस्ट जिसका नाम संतोष नायक है, सही मसले पर आर्टिकल पब्लिश करने संतोष नायक को MLA पटनचेरू ने जान से मार देने की धमकी दी, क्योंकि उस आर्टिकल में MLA पटनचेरू के खिलाफ में बयान था। इसी के चलते जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स इस जुल्म को ना बर्दाश्त करते हुए टोली चौकी पर जबरदस्त एहतजाज किए और हर पॉलिटिशियंस को मीडिया की ताकत और एकता दिखाए। आगे की तफसलात सुने इस वीडियो के जरिए। आज शहर हैदराबाद में गुलिस्ता 10 दिन से तेलंगाना रियासत के साथ साथ शहर हैदराबाद में जगह जगह पर सहाफ़ियों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। गुलिस्ता 10-12 दिन हल्के पटनचेरू के MLA महपाल रेड्डी साहब ने एक सहाफ़ी जिसका नाम संतोष नायक है, वो एक आर्टिकल पेपर में डालने के बाद वो बदतमीज़ी से पेश आते हुए गाली गलौज देते हुए और जान से मारने की धमकी दी है। हद तो इतनी हो गई है कि वो आप मेरे पास आते या मैं घर पर आके टुकड़े करूं, इस तरह से डराया गया है। उसके बाद शहर हैदराबाद में जगह जगह पर सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज किया गया है। तो आज उसी तरह मेहदीपट्टनम चौरस्ते से फिर आज टोली चौकी चौरस्ते पर यहां पर बड़े पैमाने पर 1 घंटे तक एहतजाज किया गया है। और ये एहतजाज का मकसद ये है, गुलिस्ता दिनों से एहतजाज करने के बाद पटनचेरू की पुलिस नींद से जागी और महपाल रेड्डी साहब MLA पटनचेरू के खिलाफ बड़ी मुश्किल से केस बुक किया गया है, मगर अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो हमारा डिमांड है तेलंगाना रियासत के DGP महेंद्र रेड्डी साहब से और संगारेड्डी SP साहब से, पटनचेरू DSP साहब से और पटनचेरू इंस्पेक्टर से कि फौरी हल्के पटनचेरू के MLA महपाल रेड्डी साहब को फौरी बेशरत गिरफ्तार करें, वरना आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर हम एहतजाज कीजेंगे और 2 दिन 48 घंटे हम इंतज़ार करेंगे। 2-3 दिन के अंदर कोई फैसला नहीं आएगा, महपाल रेड्डी को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम सहाफ़ियाँ भूख हड़ताल के लिए बैठने के लिए भी, मैं खुद और मेरे कई सहाफ़ियाँ भी शहर हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना रियासत में भूख हड़ताल बैठने के लिए भी तैयार है। और मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ हुकूमत से कि फौरी पटनचेरू MLA को गिरफ्तार करे, क्योंकि आज सहाफ़ियों का अहम रूल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो प्रिंट मीडिया। आज जो यहाँ पर बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और वेब मीडिया की जानिब से एहतजाज किया गया है और मैं सारे रिपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह से आवाम के मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाना, आवाम के परेशानियों को, आवाम की मुसीबत को आवाम तक हुकूमत तक पहुँचाना जिस तरह से सहाफ़ियों का काम है, सहाफ़ियों का एक बहुत बड़ा मर्तबा है, क्योंकि एक सहाफ़ी गली के लीडर को दिल्ली तक पहुँचाने में की रोल अदा करता है। तो आज जर्नलिज़म के साथ ऐसा होना यह अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब से और नौजवान खायत KTR साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि हल्के पटनचेरू MLA महपाल रेड्डी के साहब महपाल रेड्डी साहब के खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करें और उन्हें गिरफ्तार भी करें। और उसके साथ साथ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.